चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ चार्ज क्यू इज रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टेशनरी प्लस कैपिटल क्यू इन अ सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। इफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज कैपिटल एफ देन द वर्क डन ऑन दिस मोशन विल बी। सबसे पहले आप ये सोचो कि प्लस क्यू चार्ज यहां रखा हुआ है और इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस आर डिस्टेंस पे कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। फिगर ठीक से नहीं बन रहा, एक बार फिर से बनाते हैं, कोशिश करते हैं। देखो इक्विपोटेंशियल कैसा होगा? एक स्फेयर की तरह होगा, करेक्ट है? तो अगर यहां पर कोई चार्ज है क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, अगर वो मूव कर रहा है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और ये स्फेयर में ही मूव कर रहा है, इसका मतलब यहां पर जितना पोटेंशियल, मान लो ए पॉइंट पर पोटेंशियल जितना होगा उतना ही बी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। तो चार्ज अगर मूव करेगा यहां से ए से बी या बी से सी या सी से डी, कहीं पे भी मूव करे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो, क्योंकि ये सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं। ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल क्यों सेम है? सबका सेम क्यों है? क्योंकि ये एक स्फेयर के पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होने की वजह से वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कहीं पे भी मूव करे स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा ना, मतलब पोटेंशियल वैल्यू सेम होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? जीरो होगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? क्यू नॉट इनटू जीरो, तो वर्क डन फाइनली जीरो ही तो आएगा। ये ऑप्शन डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।